यार ये बात तो हम सब जानते हैं कि मार्वल और डीसी एक राइवल कंपनी है, दोनों की फैन फॉलोइंग छप्पर फाड़ है, कैरेक्टर सिमिलैरिटीज भी हैं और फैन वॉर्स भी हैं, हर चीज अपनी जगह पर। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों कंपनीज ने विजिबली किसी बीफ का इंडिकेशन दिया हो। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चल रही कार्रवाइयों को देखकर लगता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। अब शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि एक दिन गुमनामी के अंधेरों से मार्वल ने एंटमैन एंड द वॉस्प का ट्रेलर फैंस के सामने रख दिया। अब सब बौखला गए कि ना भाई कोई अनाउंसमेंट, ना कोई न्यूज, सीधा ही ट्रेलर। और अब हम लोग इसी खुशी से गुजर रहे थे कि डीसी की तरफ से आए हेनरी कैविल सामने, जिन्होंने एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म किया कि ही इज बैक एज सुपरमैन। और फिर क्या, सारी आवाम डीसी की तरफ चली गई, क्योंकि भैया इस खबर का तो कब से इंतजार कर रहे थे। और फिर इस न्यूज को बैकअप करते हुए द रॉक ने भी एक पोस्ट की, क्योंकि ये सारा गेम तो उन्हीं का ही खेला हुआ है और इस चीज ने मार्वल को काफी हिट किया। तो मार्वल वाले भी कम थोड़ी ना है, वो भी आए मैदान में द गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल के ट्रेलर के साथ, और उसने एक अलग ही कार्रवाई डाल दी, क्योंकि भाई विद द क्रिसमस मंथ अराउंड द कॉर्नर ये एक कमाल का स्ट्रोक था मार्वल की तरफ से। अब मार्वल ने दो ट्रेलर बैक टू बैक निकाल दिए, तो डीसी को भी लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए और उन्होंने किया। जेम्स गन और पीटर सैफ्रॉन को डीसी स्टूडियोज का चेयरमैन और को चेयरमैन अनाउंस कर दिया, और ये एक बड़ी खबर थी, क्योंकि हम सबको पता है कि कैसे डीसी स्ट्रगल कर रहा था एक ऐसी पर्सनालिटी को ढूंढने में कि जो उनके कंटेंट को एक एंकर पॉइंट दे सके, और भाई जेम्स गन बेस्ट बंदा है। अब इस सब के साथ ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का प्रीमियर भी था, तो सारी हाइप फिर से मार्वल की झोली में जा गिरी। तो डीसी ने यहाँ से ग्रीन लैंटर्न की मूवी पर न्यूज दे मारी। लेकिन बड़ी बात तो ये हुई कि 92NY के साथ हेनरी कैविल का एक इंटरव्यू था, जिसमें ऑब्वियसली उन्होंने उनकी रिटर्न एज सुपरमैन के बारे में बात की। लेकिन यहाँ धमाका ये हुआ कि जैक स्नाइडर ने एक वीडियो मैसेज भेजा था जो कि इंटरव्यू के दौरान दिखाया गया, और उन्होंने ये भी कहा कि कांट वेट टू वर्क विद यू। तो क्या ये एक टीज था मैन ऑफ स्टील 2 के लिए? और अगर ऐसा होता है ना तो भाई कमाल हो जाएगा। अब दिखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि मार्वल और डीसी दोनों ताक में बैठे हैं कि बेटा तुम कुछ फेंको तो सही, हम भी तैयार ही बैठे हैं। लेकिन जहां तक मेरी समझ काम करती है, ये सब कुछ क्रिसमस की वजह से है, क्योंकि यूएसए में क्रिसमस एक फेस्टिवल है, तो हर मूवी प्रोडक्शन हाउस यही चाहता है कि वो लाइमलाइट में रहे एज मच एज पॉसिबल। लेकिन फिर भी अपने को तो बहुत मजे आ रहे हैं ये सब कुछ देख के। तो आज के लिए बस इतना ही। तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ तुम क्या सोच रहे हो डीसी और मार्वल के इस चल रहे सपोजिट फ्यूड को लेकर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।